नमस्कार किसान भाइयों, नया साल आ चुका है और इस नए साल में काफी सारे नए ट्रैक्टर मॉडल्स भी आने वाले हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, सीएनजी ट्रैक्टर, सीआरडीआई पंप वाले ट्रैक्टर के साथ साथ कुछ एसी ट्रैक्टर और कुछ हाइब्रिड ट्रैक्टर भी आएंगे। तो मॉडिफाइड थॉट्स पर यह हमारा फर्ज है कि इन ट्रैक्टर्स के बारे में सबसे पहले हम आपको जानकारी दें। आपको बता दें कि आपके पसंदीदा ट्रैक्टर ब्रांड्स जैसे महिंद्रा, जॉन डियर और सोनालिका के ट्रैक्टर मॉडल भी इनमें शामिल होंगे। तो किस बात का इंतजार है, चलिए शुरू करते हैं। पेश है एचएवी ट्रैक्टर्स। किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं पिछले 3 साल से जिस ट्रैक्टर का हम इंतजार कर रहे हैं, वो एचएवी ट्रैक्टर इस साल तो मार्केट में आने की काफी ज्यादा संभावना है, क्योंकि हाल ही में एचएवी ट्रैक्टर्स ने एस्कॉर्ट के भूतपूर्व सीईओ को अपनी कंपनी में शामिल किया है। आपको बता दें कि एचएवी ट्रैक्टर्स अपने आप में ही एक पैकेज है। इस ट्रैक्टर में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको ट्रैक्टर्स में पहले कभी नहीं मिलते थे, जैसे कि सस्पेंशन। जी हाँ, सस्पेंशन, वो भी ट्रैक्टर में, वो भी चारों व्हील्स में। ऑल व्हील स्टेयरिंग, जिससे आप 50 HP का ट्रैक्टर 3 मीटर की टर्निंग रेडियस में आसानी से घुमा सकते हैं। सीएनजी फ्यूल का ऑप्शन, एक्टिव टॉर्क कंट्रोल, इसके बारे में हम ट्रैक्टर के लॉन्च के बाद बात करें तो ज़्यादा समझदारी होगी। किसान भाइयों, फीचर के साथ कीमतें भी उतनी ही मायने रखती है, इसलिए एचएवी ट्रैक्टर्स की कीमतें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 45 HP का ट्रैक्टर आपको मिलेगा 8.5 लाख में, 50 HP का ट्रैक्टर 10 लाख में और 55 HP का ट्रैक्टर लगभग शुरू होगा 12 लाख से। किसान भाइयों, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो और जॉन डियर ट्रैक्टर की बात ना हो, ऐसे हो सकता है क्या? चाहे सबसे पहला 40 HP श्रेणी में 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लाना हो, चाहे CRDI पंप टेक्नोलॉजी लानी हो, डोजर चलाने के लिए अलग गियर बॉक्स देने की बात हो, या ऑटो ट्रैक जैसी ऑटोनोमस फीचर देना हो, जॉन डियर ट्रैक्टर कंपनी बाकी कंपनियों से हमेशा आगे रही है। हर साल पावर एंड टेक्नोलॉजी के साथ जॉन डियर ट्रैक्टर्स भारतीय किसान भाइयों के लिए नई ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी लाते हैं। तो इस साल भी हम जॉन डियर की तरफ से 40 से 50 HP श्रेणी में नए CRDI पंप वाले ट्रैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रैक्टर्स की बात चल रही हो और महिंद्रा की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो वही बात हो गई ना कि बिना आलू के पराठे और बिना छोलों के भटूरे। खाने को साइड में रखते हैं और महिंद्रा के इस साल आने वाले ट्रैक्टर्स की बात करते हैं। तो कुछ दिनों पहले महिंद्रा का एक ट्रैक्टर CNG अवतार में देखने को मिला था। उसको लॉन्च भी किया था नितिन गडकरी जी ने। अगर ये ट्रैक्टर किसान भाइयों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। वैसे भी अगर इतने बड़े बड़े ट्रक्स CNG पर चल सकते हैं, जिनमें 5000 CC का इंजन होता है, तो हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि CNG ट्रैक्टर्स हमारे किसान भाइयों के खेत के सारे काम बिना परेशानी से कर सकते हैं। और वैसे भी महिंद्रा ट्रैक्टर्स आपको एक ही मॉडल में कई सारे वेरियंट्स ऑफर करता है, और हमारे किसान भाइयों के पसंदीदा 575 को कैसे भूल सकते हैं। अब महिंद्रा 575 के जगह आपको 575 XP+, 575 SP+, यानी कि सरपंच प्लस के साथ साथ 575 YoTech+ जैसे वेरिएंट्स भी उपलब्ध है। साथ ही महिंद्रा की हाल में लॉन्च हुई ओजा ट्रैक्टर जैसे एडवांस सीरीज, जो टेक्नोलॉजी के मामले में कार को भी पीछे छोड़ देती है, जिसमें आपको कार से भी बेहतरीन लुक्स, ऐटो PTO, ऐटो स्टार्ट क्रिपर गियर जैसे फीचर दिए गए हैं। और अगर यही टेक्नोलॉजी महिंद्रा किसान भाइयों को बड़े ट्रैक्टर्स में उपलब्ध करा दे तो 2024 में तो किसान भाइयों के लिए सौगात मिल जाएगी। अब बात करते हैं सोनालिका के बारे में। किसान भाइयों, सोनालिका ने भी अपनी CRDS सीरीज में CRDI पंप वाले ट्रैक्टर्स लॉन्च करे हैं। और सोनालिका की टाइगर सीरीज तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन, ज़्यादा गियर स्पीड ऑप्शन के साथ आती है। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी सोनालिका ने ही लॉन्च किया था। हालांकि किसान भाइयों को खरीदने के लिए या डीलरशिप्स पर काफ़ी कम देखने को मिला है, पर इस साल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के ट्रेंड को देखते हुए सोनालिका कुछ नए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स, डीजल ट्रैक्टर्स लॉन्च कर सकता है। साथ ही सेलेस्टियल ई मोबिलिटी और एटो जैसे नए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ब्रांड्स भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट के साथ आ सकते हैं। तो किसान भाइयों, दिखाए गए ट्रैक्टर में से आप कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप CNG और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के बारे में क्या सोचते हैं, और शेयर कीजिए अपने किसान भाइयों के साथ जो इस साल ट्रैक्टर खरीदने का प्लान कर रहे हैं। और सब्सक्राइब कीजिए मॉडिफाइड थॉट चैनल को
ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए। धन्यवाद।